इधर फुसरो नगर निगम में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दे दिया है, हड़ताल कर दिया। उनकी हड़ताल पर अब सियासत का रंग भी चढ़ना शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, दोनों अपनी सियासत चमकाने में जुटे। देखिए हमारी रिपोर्ट। फुसरो नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल वेतन बढ़ोतरी को लेकर चल रही है। पूर्व बीजेपी विधायक योगेश्वर महतो बाटू लगातार सफाई कर्मियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ कदम ताल मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष राकेश सिंह पर निशाना साधा है। उधर नगर अध्यक्ष भी उनकी विधायकी के दिनों में किए गए कामों को याद दिला रहे हैं। ठीक है ना, उनकी नीति ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि लोग यहाँ के लोग चैन से रहें, साफ सुथरा रहें, स्वस्थ रहें, ये नहीं चाहते हैं चेयरमैन। और रिमोट कंट्रोल पर चलता है वो, तो रिमोट चलेगा तभी विकास करना। रिमोट कंट्रोल से चलने के बाद वो करते हैं तो हम उनको स्वीकार करते हैं कि मैं रिमोट से चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमें जनता का विकास करना है, हमें योजनाओं को। पिछले एक सप्ताह से फुसरो नगर परिषद में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका वेतन बढ़ाया जाए। 8वां दिन है, सिर्फ एक मांग को लेकर बढ़ोतरी वेतन, और इसके तरफ से अभी तक कार्यालय की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। और आज हम लोगों ने तमाम सफाई कर्मचारी और वाहन चालक मिलकर इस बात का निर्णय लेने जा रहे हैं कि अगर आज किसी प्रकार का समझौता या कोई भी वार्ता संतोषजनक नहीं हुआ तो कल से हमारा आंदोलन उग्रवाद रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग में देखा जाए तो फुसरो नगर हलकान है। सफाई नहीं होने के चलते यहाँ के लोग भी परेशान है। वे उम्मीद लगाए बैठे है कि जल्द ही सफाई कर्मियों की हड़ताल टूट जाएगी। बेरमो से न्यूज 11 भारत के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।